पुत्र की गंगा यात्रा की एक एक तस्वीर आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। वहां से जो भी तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने हम रख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में हरिद्वार पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव अपने परिवार के संग और वहां पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होने वाला है। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के लिए रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। एयरपोर्ट से वो रवाना हो चुके हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं परिवार के संग। और काफिला काफी बड़ा है क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम भी वहां पर पहुंचा है। जो उत्तराखंड के कार्यकर्ता हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद भी लगातार काफिले के साथ आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। विनोद, काफिला कहां तक पहुंचा, कितना और वक्त लगेगा हरिद्वार पहुंचने में? बिल्कुल जया, देखिए करीब 5 मिनट इस काफिले को लगेंगे नमामि गंगे घाट पहुंचने के लिए। और जो इस समय काफिला हरिद्वार शहर में प्रवेश कर चुका है और यह करीब 1 मिनट बाद में हरिद्वार शहर में प्रवेश कर लेगा काफिला। और आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा काफिला, करीब 3 किलोमीटर का ये काफिला है जिसमें करीब 150 से 200 गाड़ियाँ इस काफिले में हैं। अखिलेश यादव इस काफिले में हैं, उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स उसी काफिले में मौजूद हैं और अगली करीब 4 से 5 गाड़ी छोड़कर वो इस काफिले में चल रहे हैं। और करीब 5 मिनट का समय जया अभी और लगेगा इस काफिले को, जब हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर ये काफिला पहुंच जाएगा और उसके बाद में हिंदू रीति रिवाज के तहत जो अग्रिम कार्यक्रम है वो होंगे, यानी पिंडदान होगा और उसके बाद में जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। और अगर बात करें तो अखिलेश यादव, उनके चचेरे भाई उनके साथ मौजूद हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव और परिवार की अलग कई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो उनके साथ ही एयरपोर्ट पहुंचे थे। 3 चार्टर्ड प्लेन अखिलेश यादव और उनकी फैमिली मेंबर्स को लेकर आए थे और करीब 15 से 18 लोग ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के साथ चार्टर्ड प्लेन में पहुंचे थे। और अब आप देख पा रहे हैं कि हरिद्वार शहर के अंदर यह काफिला प्रवेश कर चुका है और आगे जो ये गाड़ियां चल रही हैं, करीब हजारों की संख्या में सपा समर्थक सपा कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की पीछे की अगर बात करें तो पीछे भी इसी तरीके का हुजूम गाड़ियों का सटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में चाहे नमामि गंगे घाट हो या फिर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, सुबह से ही हजारों की संख्या में समर्थकों का यहाँ जुटना शुरू हो गया था। और आप देख पा रहे हैं कि ये काफिला हरिद्वार शहर में प्रवेश कर चुका है। हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैफिक की दिक्कत जरूर देखने को मिल रही है कि क्योंकि अभी एक हरिद्वार शहर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो थोड़ी दिक्कतें इस जगह पर देखने को मिलती है। ये शांति कुंज का एरिया है जया, और शांति कुंज के एरिए पर ये काफिला इस वक्त मौजूद है और थोड़ी देर बाद यानी 5 से 6 मिनट के आसपास अभी और इस काफिले को लगेंगी और उसके बाद में नमामि गंगे घाट पर ये काफिला पहुंचेंगे। और उसके आप काफिले के साथ बने रहिए, 10 मिनट लगभग वक्त लग सकता है घाट तक पहुंचने में। जैसा कि विनोद भी जानकारी दे रहे हैं कि 5 से 6 मिनट का वक्त और लगने वाला है, तो आप मान लीजिए कि कुल मिलाकर 10 मिनट का वक्त जब अस्थियों को लेकर अखिलेश यादव परिवार के संग गंगा घाट तक पहुँच जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।